दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊजी और जादूगर सांबा। ये सेकंड कॉमिक्स है ताऊजी की। इससे पहले मैंने इसकी पहले वाली पढ़ी थी, तो अभी सेकंड कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। इससे पहली कॉमिक्स है ताऊजी और जादू का डंडा, जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो वो आगे पढ़ते हैं। ताऊजी और जादूगर सांबा। समुन्द्र तट पर कड़ा पहरा लगा हुआ था। मिस्र से एक स्मगलर हीरे लेकर आ रहा था, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये थी। वह स्मगलर बड़ा चालाक और खतरनाक था। उसने मिस्र में सालों रहकर सम्मोहन विद्या सीखी थी। कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए वह सम्मोहन का इशारा लेता था। आज सेनापति ने उसको पकड़ने का प्रण कर लिया था। आज हम सांबा को पकड़ कर ही रहेंगे, इतने कड़े पहरे में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आशा तो यही है, देखे जा रहा है। सभी को सतर्क कर दो, बंदूक वालों को भी। जोकम सेनापति जी। हुजूर, इस बार तो सैनिकों का कड़ा प्रबंध है। हा, ये सब तो चींटी के समान है मेरे सामने। देखना कैसा गधा बनाऊंगा सबको। सांबा का आदमी दूरबीन से किनारे का निरीक्षण कर रहा था। जहाज सिगरी किनारे आ लगा, यात्री बाहर निकलने लगे। सभी यात्री अपने सामान सहित सैनिक कतार के बीच से निकलेंगे, अन्यथा गोली से उड़ा दिए जाएंगे। उस्ताद दास तो अपनी खैर नहीं, तूने अभी हमारी जादू शक्ति देखी नहीं। अंदर सांबा और उसका साथी सामान बांध रहे थे। हमसे टकराना हंसी खेलनी है, मैं इन सब के सामने से हीरे लेकर जाऊंगा, तू सिर्फ देखता रहे। दोनों जहाज से बाहर निकल कस्टम वालों के पास पहुंच गए। सेनापति जी, ध्यान से देखो, ये हीरे हैं, अगर इन्हें तुम्हारे सामने से ले जा रहा हूं, अगर हिम्मत है तो पकड़ लो। वो तो तुम ही हो स्मगलर, सैनिकों देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। संभव जादू डालता है, हमारे तुम्हारे सैनिक अपनी जगह पर चिपक गए हैं। हा, वे हिल नहीं सकते सेनापति। क्या बकवास करते हो सिपाहियों, पकड़ लो इसे। हम विवश हैं, हम हिल भी नहीं सकते। तो अपनी बंदूकों से बूंदो इस कमीने को। सांबा फिर से मोनी जादू डालता है। अरे हमारी बंदूकें, ये बेचारे क्या गोली चलाएंगे, ये मलाई लेकर मेरा स्वागत करने आए हैं। यह सब देखकर सेनापति क्रोधित तो उठा। उसने अपनी पिस्तौल निकाल दी, परंतु उसकी पिस्तौल सांप बन गई। अरे मेरी पिस्तौल कहाँ गई। हाँ, सेनापति जी, सांप से मत खेला करो, अगर काट खाएगा तो मर जाओगे। हाँ। सांबा ने फिर जादू डाला और सैनिकों की शक्लें बंदरों जैसी हो गई। अरे मेरे सैनिक बंदर कैसे बन गए। हाँ, बेचारे सैनिक, तुम्हें बंदरों का सेनापति नहीं बनना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम सबको आधे घंटे बाद मेरे जादू से छुटकारा मिल जाएगा। और सबके देखते देखते सांबा करोड़ों के हीरे ले चंपत हो गया। आधे घंटे पश्चात, अब मैं किस मुंह से महाराज के सामने जाऊंगा। सेना नायक जी, आप सैनिकों को लेकर दरबार पहुंचे, मैं अपनी हवेली हवेली जा रहा हूं, मुझ में महाराज का सामना कर सकने की हिम्मत नहीं है। जैसी आपकी इच्छा, आप विश्राम करें। सेना नायक के नेतृत्व तो में सेना ने महल की तरफ कूच कर दिया। सेनानायक से पूरी घटना सुनकर राजा चिंतित हो गए। वो जादू के बल पर मनमानी कर लेता है, हमें शीघ्र उसे पकड़ने का उपाय खोजना चाहिए। महाराज, इस कठिन कार्य को सिर्फ ताऊजी ही कर सकते हैं, यह कार्य उन्हें ही सौंपिए। अरे यहाँ ताऊजी ही ऐसे खतरनाक व्यक्ति से निपट सकते हैं, उन्हें बुलाया जाए। जो आज्ञा हुजूर। ताऊजी फौरन सूचना मिलते ही जिम्बो को लेकर दरबार पहुंच गए। कहिए महाराज, कैसे याद किया। ताऊजी, एक स्मगलर ने नाक में दम कर रखा है, जादू के बल पर वह सारा सामान लेकर चंपत हो जाता है। उसके जादू के सामने किसी की एक नहीं चलती। मैं उससे निपट लूंगा महाराज, आप फिक्र न करें, मैं और जिम्बो आज ही उसकी खोज में निकलते हैं। दरबार से ताऊजी सीधे घर पहुंचे। ऐ जादुई डंडे, हमें कोई ऐसी वस्तु लेकिन छोटी ला कर दो, जिसे मुंह में रखकर हम अदृश्य हो जाए। तुरंत डंडे से दो चमकदार मोती निकले।
जिम्बो जरा मोती मुंह में डालकर दिखा, मोती मुंह में रखते जिम्बो गायब हो गया। अरे वाह, तू तो सचमुच गायब हो गया, अब आजा अपने असली बेस में। ए डंडे, चूंकि सांबा जादूगर है इसलिए वह अवश्य बेस बदलता रहता होगा, इसलिए हमें दो ऐसी वस्तुएं दो जिनके प्रयोग से हम हर वस्तु का असली रूप देख सके। पलक झपकते दो दूरबीनें डंडे से निकली, और अब बाकी क्या रहा? अब हम दोनों को अपना भेष बदल देना चाहिए ताकि कोई हमें पहचान न सके। दोनों पठानों का भेष धारण कर लेते हैं। यह जादू डंडे, हमें सांबा के अड्डे का पता नहीं मालूम है, हम लोगों को उसके अड्डे तक पहुंचा दो। और कुछ ही क्षणों में दोनों अड्डे के बाहर खड़े थे। अंदर सांबा का अजीबोगरीब अड्डा, आश्चर्यजनक वस्तुएं और उनके बीच में सांबा। ये हीरे तिजोरी में रख दो जॉन, जाओ। सांबा ने एक बटन दबाया, सामने की दीवार दो भागों में बट गई। बीच में मुंह फाड़े एक शेर की मूर्ति खड़ी थी। जॉन ने हीरे उसके मुंह में रख दिए। अब हमारे पास 50 करोड़ के हीरे रतन इकट्ठे हो गए हैं, इनके लिए तेजी से ग्राहक ढूंढने शुरू कर दो। तभी दीवार पर टंगी घंटी बज उठी, लाल बल्ब जलने बुझने लगा। ट्र सरदार, दो पठान आपसे मिलने आए हैं, एक बड़ा एक छोटा। इतने कड़े कड़े पहरे के बावजूद वे अंदर कैसे आ गए? वो भी मेरा तिलसम तोड़कर। इसे तोड़ने का तरीका तो मेरे आदमियों के अलावा सिर्फ बिजली को मालूम है, जो मुझे बाहर की खबरें देने आती है। खैर, बुला उन्हें अंदर। दोनों सेवक के साथ अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम बिरादर, यही दोनों है हुजूर। तुम लोग कौन हो और यहां तक कैसे आए, क्या काम है? अपने पैरों से चलकर आया बिरादर, और कैसे आया? लो मेवा खाओ। मैं मेवा नहीं खाता, तुम अपना काम बताओ। हम स्मगलर, तुम भी स्मगलर, हम तुमको कुछ हीरा मोती बेचने मांगता है। हा, मैं सिर्फ माल बेचता हूँ, खरीदता नहीं। ओहो, पर हमसे सस्ते में लेकर महंगा में बेचो, तुम्हारा फायदा। हम यहाँ नया आया है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते, मुझे इनको सबक सिखाना चाहिए। अच्छा दिखाओ मोती, असली है या नकली, उठा लाए हो? एकदम असली ब्रादर, और चने के माफी। ये देखो, अगर सौदा पटेगा तो हम और मोती लाएगा, हीरा भी लाएगा। ताऊजी साथ लाई हुई संदूकची खोलते हैं। सांबा का शक्तिशाली सम्मोहनी जादू, ये मोती हैं, ये तो वाकई चने हैं, मुझे बेवकूफ समझते हो? हैं, ये तो चने बन गए, पर अभी तो ये मोती थे। अब तक जिम्बो की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने फौरन दूरबीन निकाली। अरे ये तो मोती ही है। जिम्बो सब समझ जाता है पर बोलता कुछ नहीं। ला उस्ताद, हमको भी दिखाओ। अरे तो सचमुच का चना है, चलो भागो यहां से, आए हैं मोती बेचने। चलो बिरादर, अपना सारा मोती चना में बदल गया, हमारा रुपया डूब गया। बू, रोने का नहीं उस्ताद, हम चना बेचकर ही पैसा बनाएगा, रो नहीं बिरादर। शाम भागा, एक आदमी उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। अजीब रास्ता, कहीं दीवार कहीं खाई, कई घुमावदार रास्ते गलियारे पार कर वे लोग जैसे ही बाहर आए, उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। अरे जिम्बो, ये बिजली ही है ना, ये यहाँ कैसे? वह व्यक्ति उन्हें छोड़कर वापस जा चुका था। गुरुजी, लगता है यह सांबा से मिली हुई है, पता लगाना पड़ेगा, वह हम लोगों की तरफ ही आ रही है। तब तक बिजली नजदीक आ चुकी थी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको कहीं देखा, कहीं आप ताऊ जी? नहीं, तुमको गलतफहमी हुआ है, हम तो काबुल से व्यापार के वास्ते आया। ओ माफी चाहती हूँ, गलती होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिम्बो, तुम गायब होकर अंदर जाओ और पता करो कि ये यहाँ क्या करने आती है, जल्दी इसके पीछे लगकर निकल जाओ। जिम्बो बिजली के पीछे लग गया। बिजली तेजी से गुप्त रास्ते के अंदर बढ़ी, उसने दीवार से उभरा एक बटन दबाया और एक दरवाजा बन गया। वह तेजी से अंदर गई, जिम्बो भी पीछे था। अंदर कई लोग थे अपने अजीब वेश में, ये रास्ते तो देखे ही नहीं थे।
जादुई डंडे ने हमें काफी अंदर पहुंचा दिया था। खैर कोई बात नहीं, आगे सपाट दीवार थी, परंतु जैसे बिजली ने एक हिरण का सींग खींचा, यही सांबा के निजी कमरे का मुख्य द्वार था। बिजली बेधड़क अंदर चली गई, जिम्बो भी पीछे पीछे घुस गया, सांबा अंदर ही था। आओ आओ बिजली, क्या हाल है, क्या खबर लाई हो? दो विदेशी व्यापारी आपसे 2 करोड़ के हीरे खरीदना चाहते हैं, वे लिबर्टी होटल में ठहरे हुए हैं। 2 करोड़, बहुत छोटा ग्राहक फंसाया है, अगर उन्हें माल पसंद आता है तो वे और बड़ा ऑर्डर देंगे। बहुत खूब, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ आने का रास्ता तुमने किसी और को भी बताया था? नहीं तो क्यों, क्या बात है? अभी कुछ देर पहले मेरे पास 2 पठान व्यापारी आए थे, वे सीधे मेरे कमरे के बाहर पता नहीं कैसे आ गए। आश्चर्य, हाँ मैं भी उनसे बाहर मिली थी। उनमें से बड़ा पठान राज्य के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ताऊ जी जैसा था। फिर उसने अपने आप को काबुल का पठान बताया। अगर वो व्यक्ति ताऊ जी होता तो वो मुझे पहचान लेता, वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा वाकई वे ताऊ जी नहीं थे, वरना मेरी सारी पोल खुल जाती। तभी 2 सेवक शरबत का गिलास लेकर आए। सरकार, शरबत आ गया। दोनों शरबत पीने लगे। तभी जिम्बो को शरारत सूझी और उसने बिजली के गाल पर थप्पड़ दे मारा। चटाक, क्या हुआ? इस सेवक के बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा। सांबा को क्रोध आ गया। क्यों बे नमक राम, तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सरकार, मैं निर्दोष हूं। लेकिन सांबा ने उसे खत्म कर दिया। इस गद्दार कुत्ते की यही सजा थी। मजा आ गया, एक दुश्मन तो कम हुआ, अब दूसरे सेवक का भी काम तमाम करूं। और जिम्बो ने आगे बढ़कर सांबा को भी चाटा दे मारा। तड़ाक, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने अपनी मौत आप बुलाई है, ले। हुजूर मैं बेकसूर हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। परंतु उसका चीखना चिल्लाना व्यर्थ गया और सांबा की कटार उसके पीठ में उतर गई। आज यह क्या हो रहा, मेरी तो अकल काम ही नहीं कर रही है। कहीं आपके आदिम बगावत पर तो नहीं उतर आए? मुझे तो उन दोनों पठानों पर शक हो रहा है, कहीं वे हमारी जासूसी करने तो नहीं आए थे? शक तो मुझे पहले भी था। अच्छा हो अगर आप उन्हें पकड़वा कर यहाँ कैद कर लें, यही ठीक रहेगा, मैंने भी यही सोचा था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अपने आदमी अभी भेजता हूं। सांबा ने पैर से एक बटन दबाया और कहीं घंटी बज उठी। अभी घंटी की गूंज समाप्त भी नहीं हुई थी कि 3 आदमियों ने अंदर प्रवेश किया। जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ, रास्ते में 2 पठान जाते मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा, उन्हें किसी भी तरह यहां पकड़ कर ले आओ। बहुत अच्छा बॉस, मुझे तो अब डर लगने लगा है। घबराओ मत, जब तक ये काला पट्टा मेरी कमर में है तब तक कोई मेरे जादू के आगे नहीं ठहर सकता। इस पट्टे से ही मैं सम्मोहनी किरणें निकालता हूं। हा हा, तो ये बात है, अब तो बच्चों तुम्हारा ये पट्टा उतारना ही पड़ेगा, अब तुम फंस गए। चलो थोड़ी देर बाद हम लिबर्टी होटल चलेंगे। उधर ताऊजी सड़क के किनारे खड़े जिम्बो का इंतजार कर ही रहे थे कि एक कार उनकी बगल में आकर रुकी और 2 आदमी बाहर निकले। ये पठान, तुम काबुल से व्यापार करने आया है ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? तुम्हारा साथी किधर है? वह खाने वास्ते गया, तुमको हमारे से क्या काम? हमारे मालिक ने तुम्हें वापस बुलाया है, वह तुमसे व्यापार करना चाहता है, चलो हम तुम्हें ले चले। ओ तुम उसका आदमी है, पर उसने तो हमारा मोती चना बना दिया, हम उधर नहीं जाएगा, वो खतरनाक आदमी है। अरे नहीं, वह तुम्हारे सारे चने मोतियों में बदलकर खरीद लेगा, वह बहुत बड़ा जादूगर है। फिर ठीक है, चलो। ताऊजी गाड़ी में दोनों बदमाशों के बीच में बैठ गए। अरे अरे सुनो, हमारा पठान लड़का को तो आ जाने दो, हैं चुपचाप बैठे रहो, समझे? अगर अगर जरा भी चूं चपड़ की तो ऊपर से नीचे तक चीर कर रख दूंगा। अरे बाप रे, ये अल्लाह कहाँ फंस गया, हमको छोड़ दो या खुदा। ताऊजी ने चाकू देखकर डर जाने का भी न किया।
अब हमारा मालिक तुम्हें तोता बनाकर पिंजरे में रखेगा। अरे गड़प सच में बहुत नाटक हो गया, अब अपना असली काम शुरू करना चाहिए। और ताऊ जी ने मोती मुंह में रख लिया और अदृश्य हो गए। अरे यार पठान कहाँ गया, गाड़ी से बाहर तो नहीं कूद गया, पर दरवाजे तो बंद ही हैं। अब बॉस को क्या जवाब देंगे, बॉस तो खाल खींचकर भूसा भरवा देगा। पहले तो एक ही पठान मिला और वह भी हवा में घुल गया। अब हमारी खैर नहीं, बॉस का गुस्सा तो तुम जानते ही हो, पर यह पठान गया किधर। तभी ताऊजी ड्राइवर के बगल में बैठे दिखाई दिए। हम तो बिरादर आगे ही बैठेगा, तुम दोनों लोग तो हमेशा छुरी दिखाता है। कहने के साथ साथ ही ताऊजी ने झोले में पड़े डंडे को इशारा किया। वो डंडा लपक कर उन दोनों पर टूट पड़ा। अरे अरे ये क्या मुसीबत है, ये डंडा मैं मार रहा है अपने आप। आह आह मर गया। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ वरना हमारा डंडा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं मैं गड़प चुपचाप गाड़ी चलाऊंगा। बोलो अब हमको छुरा दिखाएगा। नहीं भाई हमें माफ कर दो, पर हमारे साथ चले चलो वरना सांबा हमें मार डालेगा, हम मजबूर हैं। मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, चलो। हम भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर वह हमको जानवर बनाने की धमकी देता है। तुम फिक्र मत करो, हम उसे मुर्गा बनाकर छोड़ेगा। हम सांबा से छुटकारा पाकर शरीफों की जिंदगी बिताएंगे। उधर सांबा और बिजली लिबर्टी होटल चलने को तैयार थे। जिम्बो भी तैयार था। चलो बिजली 2 करोड़ का सौदा तो कर ही आए, मैं तो तैयार ही हूं, आइए। सांबा बिजली और जिम्बो को लेकर गाड़ी होटल की तरफ बढ़ चली। वो नगद रुपया लेकर आए हैं ना? हाँ मैंने कह दिया था। अरे इस कार में तो गुरुजी थे। ताऊ जी, ताऊ जी ने आवाज सुन ली। ड्राइवर उस कार के पीछे चलो, उसमें हमारा पठान लड़का बैठा है। उसमें तो शायद सांबा और बिजली बैठे थे। थोड़ी देर में ताऊ जी वाली कार सांबा की कार के पीछे पीछे थी। सांबा की कार होटल लिबर्टी के सामने जा रुकी। चीं, अभी गाड़ी के पीछे से चिल्लाने की आवाज कैसी आई थी, तुमने सुनी थी? हाँ सुनी थी, किसी ने ताऊजी पुकारा था। वो देखिए उस हमारी कार ही से वो पठान उतर रहा है, ये ताऊजी है। हाँ हाँ ये ताऊजी ही है। ओह मैं भी इसे ठिकाने लगाता हूँ। अरे सांबा तो जादू के इशारे कर रहा है, गायब हो जाऊं तो अच्छा होगा। ताऊजी मोती मुंह में रखते ही अदृश्य हो गए। सांबा जादू डालते डालते एकाक रुक गया। अरे पठान का बच्चा किधर गायब हो गया? तभी जादू का डंडा प्रकट हुआ और उसने बिजली पर प्रहार किया। वो यह डंडा मुझे मार रहा है। सामने आ बुजदिल, छुपता क्यों, अगर तू एक बार दिख जाए तो हाय मुझे बचा लो, मैं मरी धड़ाक ढ्यूम। सांबा डंडे पर जादू डालता रहा, परंतु यह क्या बला है, इस डंडे पर मेरा जादू व्यर्थ जा रहा है। तभी जिम्बो ने सांबा की कमर से काला पट्टा खींच लिया। ओह मेरा जादुई पट्टा। तभी जिम्बो प्रकट हुआ। यह रहा पट्टा जादूगर जी, जिसके बल पर तुमने सारे संसार को भयभीत कर रखा था। मेरा जादू भी मरा नहीं है बच्चे, तो चलाओ फिर अपना जादू मुझ पर, मैं भी देखूं तुम्हारा जादू। गुरुजी आप सामने आ जाइए, अब यह दुष्ट एक चूहे के बराबर है। क्या सचमुच इस दुष्ट का जादू समाप्त हो गया? हाँ मैंने अदृश्य होकर सारी बातें सुन ली थी। सांबा भयभीत तो होकर भागा। भागे अकान जा डंडे से मजा चखा। डंडा विद्युत गति से सांबा की तरफ उड़ चला और सांबा की ठुकाई करने लगा। डंडे ने मार मार कर सांबा की हालत खस्ता कर दी। सांबा दौड़कर वापस आया। मुझे इस डंडे से बचाओ, ओ मैं हार मानता हूं, मुझे छुड़ाओ, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, हाय मरा। उसका अड्डा भी अब उड़ने वाला होगा, मैं आपका दिया टाइम बम वहां रखा आया था।
विश्राम बाग अड्डे में जोरदार विस्फोट हुआ, दूर दूर तक धरती हिल गई, सब नष्ट हो गया। बूम। अब भी सीधी तरह हमारे साथ चलते हो या फिर नहीं? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ताऊजी ने सांबा बिजली और व्यक्तियों को कार में बिठाया और ड्राइवर को राजमहल चलने की आज्ञा दी। विभिन्न मार्गों से होती हुई कार राजमहल के सामने जा रुकी। संभालिए महाराज अपने अपराधी को, इसका सारा जादू नष्ट कर दिया गया है। वाह ताऊजी, जो काम हमसे बरसों में न हो सका वो आपने एक दिन में कर दिखाया। महाराज तो बेवजह हमारी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया महाराज, फिर कभी सेवा में हाजिर रहूंगा। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, कोई ज्यादा खास नहीं थी लेकिन ताऊ जी की थी इसलिए पढ़ दी मैंने। अगर आपको पसंद आई तो परी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।